नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां घाटमपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने वाले पीड़ित परिवार के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल मामला घाटमपुर कोतवाली के जाजपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां कानून को से रिटायर्ड एक बुजुर्ग ने जाजपुर चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बुजुर्ग ने बताया कि बीते दिनों लाइन जोड़ने आए प्राइवेट लाइनमैन से सवाल पूछने पर लाइनमैन व उसके दबंग साथियों ने पीड़ित को भद्दी भद्दी मां की गालियां देते हुए हमला कर दिया और घायल भी कर दिया था, जिस पर बुजुर्ग का हाथ भी टूट गया। वहीं चौकी प्रभारी विपिन कुमार व कोतवाल धनेश प्रसाद ने बुजुर्ग को न्याय तो नहीं दिया बल्कि उल्टा बुजुर्ग पर केस दर्ज करा दिया, जिससे घाटमपुर कोतवाल के इस दबंग गुंडई रवैया से बुजुर्ग परिवार आत्महत्या को मजबूर है और पुलिस भी हाथ पे हाथ रखी बैठी है। घाटमपुर निरीक्षक धनेश प्रसाद से बुजुर्ग को अब न्याय की आस नहीं है तो धनेश प्रसाद की तरफ से कोई भी ऐसी कोई कार्य नहीं किया गया कि बुजुर्ग परिवार को न्याय मिल सके। क्या नाम है? नेम चंद्र। कहाँ रहते हैं? जाजपुर। क्या मामला है? दिनांक 9/2/2021 को अचानक बिजली ठेकेदार लोग जीप से 8-10 गुंडे लेकर के हमारे ट्यूबवेल में धावा बोल दिया और जबरदस्ती बिजली कनेक्शन जोड़ने लगे। मैंने मना किया कि आपको परमिशन दिखाओ, लेकिन वो कहते हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जोड़ेंगे। इसके बाद कहने पर तुरंत हमको हमको मारपीट करने लगे, हमारे हाथ पैर तोड़ डाले। जब मुझे मारे तो मेरी पत्नी दौड़ी तो उसके बाल पकड़ के पटक दिए और जब पता लगा कि छोटा मतलब जब मालूम हुआ कि हमारे पिताजी मारे जा रहे हैं तो हमारा बड़ा लड़का जो है जोर आया, बीच बचाव करने लगा तो उसको भी डंडों से खोपड़िया और मुंह फोड़ दिया। तो क्या आपने पुलिस में शिकायत करी? इसके बाद मैंने पुलिस में शिकायत की उसी दिन शिकायत की, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में क्या है, कोई मुकदमा लिखा गया? मुकदमा वर्तमान में कुछ मुकदमा नहीं लिखा हुआ है, अब विपक्षी गुंडों का मुकदमा चौकी इंचार्ज ने लिख दिया है। इसे जज से जाहिर होता है तो पैसे खा करके विपक्षी अगर आपकी कुछ नहीं सुना जाता है, कार्रवाई नहीं होती तो मैं पत्नी और परिवार सहित मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।